हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएस क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुपिंग मेथड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंस्पेक्शन मेथड के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग मेथड की बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि सीए फाउंडेशन को ग्रुपिंग मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है। ये लेंथी मेथड है, ये सिर्फ 11th 12th और बीकॉम के स्टूडेंट को एप्लीकेबल होता है। और एक बात और, वीडियो को पूरा देखना, अगर बीच में स्किप किया तो गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुपिंग मेथड मोड को निकालने के लिए। देखिए, पहले हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स कि आखिर इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, क्यों ये यूजर्स में आता है, या फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स बोलो या फिर इंस्पेक्शन मेथड की प्रॉब्लम्स बोलो, एक ही बात होगी। पहली बात, अगर किसी सीरीज़ में जो फ्रीक्वेंसी होगी कौन सी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर अकर्ड टू और मोर टाइम्स, ये बात। दूसरा, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर हो जाए जो अप्रॉक्सीमेट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो एक दूसरे के आसपास है, तो उस केस में इंस्पेक्शन मेथड लगाना गलत हो जाएगा। उस केस में ग्रुपिंग मेथड ही काम आता है, क्योंकि क्या पता कौन सी फ्रीक्वेंसी में हमारा मॉड लाइज करे। ठीक है, तीसरी जो बात होती है दोस्तों वो है कि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज अकर्ड एट बिगनिंग और एट एंड, या तो फ्रीक्वेंसीज जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, या तो वो बिगनिंग में हो या फिर वो एंड में हो, तो इस केस में दोस्तों डेटा में कहाँ होगा मॉड ये पता लगाना इंस्पेक्शन मेथड से पॉसिबल नहीं होगा, ये सिर्फ ग्रुपिंग मेथड ही बता सकता है। और चौथा दोस्तों, लास्ट, इररेगुलरिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सर, जो डेटा होता है किसी सीरीज का, अगर उसमें इररेगुलरिटीज हों तो उस केस में भी जो इंस्पेक्शन मेथड होता है वो डेंजरस होता है अप्लाई करने में। उसमें हमें सही तरीके से मॉड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कभी डेटा बहुत ज़्यादा हाई होगा, कभी डेटा बहुत ज़्यादा कम होगा, तो वो इररेगुलरिटीज हो जाती हैं। उस केस में सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग मेथड ही हमें हेल्प करेगा। अब आगे हम देखेंगे कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है हमने। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो डिस्क्रीट सीरीज को भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन बात आती है कि इस क्वेश्चन में ऐसी दिक्कत क्या है। अगर दोस्तों हम इस क्वेश्चन में इंस्पेक्शन मेथड लगाएं तो देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो इस केस में इंस्पेक्शन मेथड में क्या इस इंटरवल को लें या इस इंटरवल को लें, इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना पड़ा। तो ये इसका नाम है ग्रुपिंग टेबल, इसको ग्रुपिंग टेबल बोला जाता है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको कॉलम वन बोला जाता है। ठीक है, कॉलम वन, और इसको कॉलम टू, थ्री, फोर्थ, फाइव एंड सिक्स, ऐसे अपने कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, अब पहली बात, फ्रीक्वेंसी वन तो हमने देख ली। ठीक है, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में क्या करना है, सेकेंड कॉलम में आपने दोस्तों फ्रीक्वेंसी वन प्लस टू, इसको हमने प्लस करना है, सर वन प्लस टू, और इसके अलावा दो दो फ्रीक्वेंसी को आगे हमने प्लस करते जाना है, वो मैं आपको कर कर दिखाऊंगा। अब तीसरे कॉलम में क्या करना है, हमने पहले में हमने वन प्लस टू को ऐड किया, तीसरे कॉलम में दोस्तों हमने टू प्लस थ्री फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए आगे आगे जाना है। इसका मतलब टू प्लस थ्री फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, ये हमने कर दिया। पहले मैं आपको ये कर कर दिखाता हूँ। सर, वन प्लस टू,
वन फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब ये, ठीक है, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, ये थ्री आ जाएगा सर। वन प्लस टू इन दोनों को जोड़ देना है तो ये आ जाएगा सर 14, ठीक है, और इन दोनों में से इन दोनों को जोड़ देना है, वन प्लस टू, ठीक है, टेन प्लस नाइन इज इक्वल टू 19, और वन प्लस टू वन है या टू नहीं है आगे, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है, तो ये बात पहली, ठीक है। अब आगे टू प्लस थ्री, और उसको फर्दर सॉल्व करते जाना है। टू प्लस थ्री कैसे सर, इसको टू प्लस थ्री, तो टू प्लस टेन इज इक्वल टू 12, ठीक है, टू प्लस टेन इज इक्वल टू 12, फिर आके फोर प्लस टेन इज इक्वल टू 14, फोर प्लस टेन इज इक्वल टू 14 सर, नाइन प्लस टू इज इक्वल टू 11, ठीक है, ऐसे आपने सॉल्व करते जाना है, ऐसे दो दो को टर्म्स को लेकर, ठीक है। अब फोर्थ में क्या करना है सर, पहले में हमने इसमें सेकंड में वन प्लस टू लिया, इसमें टू प्लस थ्री लिया, इसमें हमने तीनों टर्म्स को लेना है, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो वन प्लस टू प्लस थ्री कितना है सर, वन प्लस टू प्लस थ्री, इसको ऐसे कर लेना है, ठीक ने, वन प्लस टू थ्री प्लस टेन इज इक्वल टू 13, आपने ऐसे ले लेना है, ठीक है। अब आगे सर, आपने तीन टर्म्स ली और तीन आगे वाली टर्म्स लेनी है सर, फोर प्लस टेन प्लस नाइन ये कितना आ जाएगा, फोर प्लस टेन प्लस नाइन 23, ठीक है, और आगे टू और इसके आगे है नहीं, तो इसको हम इग्नोर मारेंगे, ठीक है। अब आगे फिफ्थ में हमने क्या करना है, इसमें हमने वन प्लस टू प्लस थ्री को लिया, अब आगे हम एक को छोड़कर टू प्लस थ्री प्लस फोर को लेंगे, तो इसका मतलब टू प्लस थ्री प्लस फोर को लेंगे सर, दूसरी कितनी है, टू प्लस थ्री प्लस फोर, ठीक है, टू कितना है, टू टेन ट्वेल्व, और फोर कितना, ट्वेल्व और सिक्सटीन, ये सिक्सटीन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम टू प्लस थ्री प्लस फोर लिया, और आगे वाली तीन टर्म्स हम फर्दर लेते जाएंगे, तो यहाँ पर फोर होगा, तो आगे क्या होगा, टेन प्लस नाइन प्लस टू ये हो जाएगा 21, ठीक है, टेन प्लस नाइन प्लस टू दैट इज 21, राइट। अब लास्ट जो होगा कॉलम, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने टू प्लस थ्री प्लस फोर लिया, यहाँ पर हम आगे वाली टर्म्स 3 प्लस 4 प्लस 5 लेंगे, ये हमारा लास्ट कॉलम होगा, ठीक है। अब थ्री टर्म्स कौन सी है सर, 1 2 3 ये तीसरी टर्म्स है 10, अब 3 प्लस 4 प्लस 5 तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 प्लस 4 प्लस 5 तो ये होगा सर 10 प्लस 4 प्लस 10 ये आ जाएगा 24, ठीक है, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ऐसे आपने कर लेना है। ये सब करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसको आपने राउंड ऑफ कर देना है, उसको आपको वैल्यू असाइन कर देनी है। वैल्यू कैसे, अब जैसे यहाँ इस कॉलम में 10 है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर भी 10 है, आपने ऐसे राउंड बना देना है उसके राउंड, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम में सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है सर, 19, तो इसको राउंड कर देना है, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में कौन सी वैल्यू है सर, 14, 14 को अपने राउंड कर देना है। फोर्थ में 23, 23 को राउंड कर देना है। इसमें 21, इसको राउंड कर देना है। और इसमें सिक्स में 24 तो है ही, तो एक ही है, इसको राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। अब ये तो हमने बना लिया दोस्तों ग्रुपिंग टेबल, अब आगे हम इसका एनालिसिस टेबल बनाएंगे, तो चलिए एनालिसिस टेबल भी बनाते हैं। तो ये है दोस्तों एनालिसिस टेबल, मैं आपको बताता हूँ कि आपने एनालिसिस टेबल कैसे बनाना है। देखिए पहली बात, जो आपके कॉलम्स होंगे, जैसे ये थे कॉलम 1 से लेके 6 तक, आपने इनको कॉलम, एक कॉलम में लिख लेना है जो रोज़ को रिप्रेजेंट करते हों, ठीक है। और जो आपके क्लास इंटरवल यहाँ पर कॉलम में थे, वो आपने एक रो में रख लेना है जो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे आपने एनालिसिस टेबल बना लेना है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे एनालिसिस टेबल में वैल्यूज़ असाइन करनी है। अब जो पहला कॉलम था दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन थी, सबसे ज़्यादा वैल्यू सर 10 थी, ठीक है, यहाँ पर भी था 10, यहाँ पर भी था 10, तो सर फर्स्ट कॉलम में जो 10 था वो पहले रिप्रेजेंट कर रहा है 10 15 को, ठीक है, 10 15 को, तो इसको वैल्यू असाइन कर देनी है, ठीक है। और दूसरा सर 20 25 को ऐसे आपने यहाँ पर भी वैल्यू असाइन कर देनी है। दूसरा, अब सेकेंड कॉलम में क्या था दोस्तों, सेकेंड कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू थी 19, ठीक है, सेकेंड कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू थी 19। अब ये 19 कौन था दोस्तों, 10 प्लस 9 19 था, ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है सर 20 25 को, और 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 25 30 को, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम में
2025 और 2530, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड कॉलम की। सर थर्ड कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू थी वो थी 14, और 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था दोस्तों, वो था 15, 20 और 2025। सर जो थर्ड कॉलम था वो 15, 20 और 2025 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये बात। अब बात करते हैं फोर्थ कॉलम की। सर फोर्थ कॉलम में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू थी वो थी 23 तीन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो था 15, 20, 20, 25, 25, 30, ठीक है। 15, 20 जो फोर था, 15, 20 दैट इज 20, 25, 25, 30, ठीक है इसको। अब आगे जो दोस्तों फिफ्थ कॉलम था उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी थी, 21, और 21 तीन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तीन इंटरवल्स को। सर पहला 20, 25, 25, 30, 30, 35। सर पहला था इसमें 20, 25, 20, 25, 25, 30, 25, 30, और लास्ट था दोस्तों 30, 35, ठीक है 30, 35। अब जो लास्ट कॉलम था दोस्तों सिक्स कॉलम, वो लास्ट वैल्यू थी 25, जो रिप्रेजेंट कर रहा था तीन वैल्यूज़ को सर यहाँ पर, और तीन वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही थी सर, 10, 15, 15, 20 और 20, 25, 10, 15, 10, 15, 15, 20 और 20, 25, इन तीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ऐसे आपने पूरा प्रोसीजर कर लेना है, इससे आपकी सभी जो वैल्यूज़ होगी वो असाइन हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे आपने क्या कर लेना है दोस्तों, आगे आपने इन सब का टोटल कर लेना है। सर टोटल कैसे, अब 0 से 05 तो 0 है, यहाँ पर निल है, 5 में 10 में भी निल है। अब 10, 15 में सर वैल्यूज़ कितनी है, 2, ठीक है। 15, 20 में सर वैल्यूज़ कितनी है, 3। 20, 25 में सबसे ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है 6। और 25, 30 में सर 3 वैल्यू है, 30, 35 में 1 वैल्यू है। अब एक बात देखिए, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा हाईली वैल्यूड हैं, वो है 6। अब 6 जो है दोस्तों वो किस इंटरवल को शो कर रहा है, सर 2025 को। तो हम लिखेंगे 6 शोज द इंटरवल 2025, ठीक है। तो हम ये बात बोलेंगे, तो हम ये बात बोलेंगे दोस्तों कि 2025 में हमारा जो मॉड होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से, एनालिसिस टेबल से हमें हमारा इंटरवल मिल गया, जो इंस्पेक्शन मेथड से हमें मिल नहीं रहा था, ठीक है। अब हमें मिला कि 2025 में हमारा मॉड जो है वो लाइज कर रहा है। अब इसको हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब हमने देखा दोस्तों कि जो 2025 है दैट इज़, इस इंटरवल में लाइज करती है हमारी मॉड वैल्यू, ठीक है 2025 में। तो ये होगा फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। तो इसके जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी 0, इसके सक्सीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज़ फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों, दैट इज़ मॉड इज इक्वल टू लोअर वन वैल्यू प्लस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 इंटू इंटरवल डिफरेंस। ये फॉर्मूला है मॉड का। अब सर इंटरवल की लोअर वैल्यू कौन सी है, दैट इज 20, ठीक है 20 प्लस फ्रीक्वेंसी 1 कितनी है 10 माइनस फ्रीक्वेंसी 0 कितनी है दैट इज 4। तो 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू फ्रीक्वेंसी 2 कितनी है सर, वो है 9। इंटरवल डिफरेंस दैट इज 5, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 20 माइनस 13 इंटू 5, ठीक है। तो 20 इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 7 5, तो यह आ जाएगा 4.286, ठीक है। तो यह आ जाएगा 24.286, ये हमारी मॉड की वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों मॉड ग्रुपिंग मेथड से। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अगर आ नहीं रही तो मैं आपको दिमाग में एक बात लेकर आता हूँ। इसमें आपने देखा कि जो 6 है यहाँ पर एक वैल्यू ही सबसे ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमने एक जो क्लास इंटरवल था वो लिया था, दैट इज़ 2025। लेकिन अगर यहाँ पर भी वैल्यूज़ सेम आ जाए, अब मान लीजिए यहाँ पर 6 नहीं था, यहाँ पर था 2,
तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होती 3, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 2 होता तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 3 होती और यहाँ पर भी 3 होती, तो इस केस में क्या होता भाई? तो इस केस में भी दोस्तों ग्रुपिंग मेथड फेल होता। उस केस में वो सीरीज बाय मॉडल सीरीज बन जाती है जो एक इम्पीरिकल फॉर्मूले से निकलता है। वो इम्पीरिकल फॉर्मूला एक आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। वो सीए फाउंडेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सीए फाउंडेशन में ये ग्रुपिंग मेथड यूज़ नहीं होता क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट ग्रुपिंग मेथड। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।